दोस्तों आज हम जा रहे हैं मनाली से सोलंग वैली और जस्ट अभी मनाली में स्नोफॉल गिरना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कितना तेजी से स्नोफॉल गिर रहा है और इस समय काफी हैवी ट्रैफिक है मनाली से सोलंग वैली के रास्ते में। आप देख सकते हैं गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही हैं और स्नोफॉल ने इस नज़ारे को कई गुना बढ़ा दिया है। सच में काफी शानदार एक्सपीरियंस हो रहा है और यहाँ पर आप गाड़ियों का जाम देख सकते हैं कैसे जाम लगा हुआ है। काफी अमेजिंग नज़ारा देखने को मिल रहे हैं स्नोफॉल के दौरान और देख सकते हैं दूर तक आपको गाड़ियों की कतार दिख जाएगी। इस तरह दोस्तों काफी जाम लगा हुआ है सोलंग वैली के रास्ते में। इस समय हम सोलंग वैली से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ आप देख सकते हैं पूरी बर्फ ही बर्फ जमी हुई है चारों तरफ। और आप देख सकते हैं इस ढाबे पे अभी हम फिलहाल खाना खा रहे हैं और ये देखिए हमारी गाड़ी कैसी दिख रही है स्नोफॉल के दौरान। जबरदस्त स्नोफॉल ये देखिए दोस्तों, गजब। बच्चे बेहतरीन, बस हो गया, बस पराठा खत्म करके निकल लेना भैया। जाओ गुड्डू मम्मी के पास जाओ जाओ। दोस्तों मनाली में हैवी स्नोफॉल होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं गाड़ियां काफी देर से ऐसे ही खड़ी हैं। कम से कम हमें 15 मिनट हो गए हैं इसी स्थान पे खड़े हुए और गाड़ियां फिसल रही हैं। बर्फ में चलना कोई इतना आसान भी काम नहीं है। ये देखिए दोस्तों पूरे क्षेत्र में आपको बर्फ ही बर्फ दिख जाएगी और जितने भी लोग पब्लिक कन्वेंस से जा रहे थे अब वो सब अपने व्हीकल को छोड़कर पैदल ही पैदल सोलंग वैली के लिए बढ़ गए हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में व्हीकल को चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। ये देखिए हमारी गाड़ी भी बिल्कुल स्टेबल खड़ी है और कोई भी गाड़ी यहाँ बढ़ नहीं रही है, सारी की सारी गाड़ियाँ एक ही जगह पर स्टेबल हैं क्योंकि गाड़ियाँ फिसल रही हैं। तो काफ़ी देर हो गई है हमें, लगभग आधा घंटा बीत चुका है इसी तरह स्नोफॉल में फंसे फंसे। इस तरह दोस्तों स्नोफॉल जितना खूबसूरत दिखता है उतना खतरनाक हो जाता है अगर आप व्हीकल से चल रहे हैं क्योंकि स्नोफॉल की वजह से व्हीकल फिसलने लगते हैं और आपस में भी व्हीकल टकराने लगते हैं तो काफ़ी खतरनाक हो जाती है रोड स्नोफॉल के बाद। बाकी खूबसूरती तो दिखती है, शानदार दिखती है, इसमें कोई दोहराई नहीं। निकलने दो गाड़ी को, गुड्डो नहीं 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 बंद रहो। बच्चे कल से था 3 दिन, नहीं कल से नहीं परसों से। हाँ भैया चाय वाय बेच रहे हो क्या? अच्छा आ जाओ ले लो बच्चे पीछे खोल के। चलने लगा ट्रैफिक सा, बच्चे तुम ले लो बाद में ले लेना बच्चे। बच्चे बनाओ ये भेजो गाड़ी आ रही है उतर के बन ही रही है।
आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं ओल्ड मनाली और यहाँ पर इस साइड है मनु टेंपल और अगर आप इस तरफ जाएंगे ऊपर की तरफ तो है हडिम्बा देवी टेंपल और इधर है दोस्तों मनाली क्लब हाउस और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह भी जाम लगा हुआ है। एक बस पुल के ऊपर अटक गई है जिसको निकालने के चक्कर में काफी देर से हम लोग अभी खड़े हुए हैं। ये देखिए इस तरह दोस्तों जाम लगा हुआ है और ये दोस्तों पूरा ओल्ड मनाली का क्षेत्र है ये जो आपको दिख रहा है और नीचे आप देख सकते हैं नदी बह रही है। बाकी दोस्तों देखिए ये पूरा इस तरह का क्षेत्र है और ये है हमारी बाइक, हमारी कार यानी कि। और अभी दोस्तों हम सोलंग वैली से आए हैं इसलिए हमारी गाड़ी के ऊपर पूरा स्नो जमा हुआ देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त हमें स्नो देखने के लिए मिला पूरे रास्ते। बाकी आप देख सकते हैं मनाली ओल्ड मनाली में इस तरह का आपको थोड़ा सा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। बाकी अब बस लगभग क्लियर हो चुकी है, ये देखिए निकल गई है बस यहाँ से। चलिए अब हम पहुँचते हैं ओल्ड मनाली और देखते हैं ओल्ड मनाली को।